अयोध्या में दुष्कर्म मामले में योगी सरकार के निर्देशों के बाद मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बाबा का बुलडोजर मोइन खान की बेकरी पर पहुंचा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले बेकरी में छापेमारी की गई। बेकरी के अंदर बने सामानों को सैंपलिंग के लिए भिजवाया गया। बेकरी लाइसेंस भी रद्द होगा। इसके बाद बेकरी पर बुलडोजर चला। इससे पहले शुक्रवार को मोइन खान की जमीन की जिला प्रशासन ने पैमाइश की थी। वहीं SDM सोहावल अशोक कुमार ने कहा कि बेकरी को अवैध पाए जाने के बाद सील कर दिया गया और बेकरी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह का कहना है कि यहां पर बेकरी चलती थी और SDM सोहावल की ओर से जांच की गई तो तालाब की जमीन पर अवैध पाया गया, जिसके तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अभी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य और सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फुट में बनी थी। बेकरी के अलावा सपा नेता की 44 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। इसके अलावा प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। बता दें कि कल शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़ित की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। इसके बाद पूरा कलंदर थाना प्रभारी रतन शर्मा और भदरसा चौकी प्रभारी अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के खिलाफ तत्वरित कार्रवाई न करने और मामला दर्ज करने में देरी करने के लिए कार्रवाई की गई। इसके यहाँ पे बेकरी चलती थी और यहाँ पे हमारे SDM सवाल द्वारा जांच की गई। तालाब के पास ही बना हुआ है और ये तालाब की ज़मीन पर इसका कब्जा पाया गया। उसी के तहत तालाब एक रिजर्व लैंड होती है, जिसपे किसी प्रकार का निर्माण किया जाना विधिक नहीं है। उसी के तहत ये यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कितनी सर भूमि सर इसके पास अवैध जो पाई गई है? अभी ये जांच चल रही है। SDM सोहाल इस संबंध में जांच कर रहे हैं। कुछ भूमि और चिन्हित की गई है, उसमें उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी चिन्हित हो पाई है। सर, जिसमें बैंक बना इस पर भी चलेगी? अब इस पर जांच चल रही है, जाँच चल रही है। ठीक, ये जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है, उसको भी, चूंकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। इनके द्वारा अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमारे उपजिलाधिकारी के द्वारा कल ये अवगत कराया गया है कि कुछ दलित बिरादरी के और कुछ गरीब व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि आरोपी ने उनकी भी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किया है या कब्जा किया है, उनके द्वारा डराया धमकाया गया है। उसकी भी हमने राजस्व टीम बना दिया है। लगातार हमारी कई राजस्व टीम है जो जाँच कर रही है। जाँच में जैसे भी संज्ञान में आएगा कि अगर किसी भी गरीब के व्यक्ति या दलित व्यक्ति की जमीन पर इनके द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण किया गया होगा तो हम नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको भी खाली करा के उन गरीब परिवारों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। ठीक है सर, जहाँ जहाँ पर यह चिन्हित किया गया है कि शासकीय जमीन है, जैसे कि आपने देखा रास्ते की जमीन पर कब्जा किया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, उसको भी एक्शन होनी है। तालाब की जमीन है उसको भी एक्शन आप देख ही रहे हैं, हो रही है। बाकी शमशान जो भूमि है उसको भी कब्जाया गया है, 630 वर्ग मीटर जमीन है, उसको भी एक्शन लिया जा रहा है। तो शॉर्टली ये पता किया जा रहा है कि जो निजी जमीन कितनी है और सरकारी जमीन कितनी है, जिसपे कि अवैध रूप से कब्जा किया गया। और ये कब्जा रिसेंट का नहीं है, ये कब्जा बहुत पुराना है, 10-15 साल पुराना कब्जा है। कई माना जा रहा है बेनामी संपत्ति, मतलब दूसरों के नाम पे इसने कई जगह ऐसे अवैध कब्जे किए हैं, उस पर भी जाँच की जा रही है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि बाहर से जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया गया है, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, उसके तहत जमीन खरीदी गई है, लेकिन जो मैटर अलग है वो पुलिस अपने एंगल से उसकी जांच कर रही है। जैसे कि मैं अभी महिला जिला अस्पताल के परिसर में उस पीड़ित बच्ची से, उस मासूम से मिलकर आ रही हूँ। उसे देखकर मेरे पास शब्द नहीं है,
पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि वो अकेली नहीं है और ना ही उसकी कोई गलती है। मैं उसे आश्वासित नहीं, मैं उसे संवेदना नहीं, मैं उसे संबल देना चाहूँगी कि वह इस चीज़ को समझे कि वह पीड़िता नहीं है, वह विक्टिम नहीं है। उसके साथ जो दुष्कृत कार्य हुआ है उसके लिए वो कतई दोषी या उसके लिए वो अपने आप को कतई दोष ना दे। और उसके साथ हमारे प्रदेश के माननीय अभिभावक, हमारे प्रदेश के जो अभिभावक हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, पूरी सजगता के साथ खड़े हैं, सुदृढ़ संकल्प लेकर खड़े हैं कि उसके साथ यह जो अधर्म हुआ है, इस धर्म की नगरी में जो धर्म के साथ अधर्म हुआ है उसके साथ न्याय होगा और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि तो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया कई दिन तक। वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा, अंग्रेजों से सुना, मुगलों से सुना, आपकी अत्याचारियों से कौन सुना जाएगा।